लगता है फ्रिज की कंडेंसर रह गई। नहीं, या तो कंडेंसर में पानी ज्यादा है या हीट एक्सचेंज ट्यूब खराब है, वही फ्रीजर की नली होनी चाहिए। हाँ, लगता है यही प्रॉब्लम है। तुम ठीक कर सकते हो? हाँ, लेकिन आज नहीं, मैं कल हार्डवेयर की दुकान से ले आता हूँ। ठीक है ठीक है, फिलहाल इससे अपनी चोट सेक लो। जिसने मारा वो तगड़ा था क्या? अरे बताओ भी, ये गिरने की नहीं घुसे की चोट है। मारा है कि नहीं? क्या मुझे उस लड़के के डैड से बात करनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं। देखो अपनी आंटी को मत बताना, नहीं तो खामखा उस बेचारे लड़के की पिटाई कर देगी। ऊपर आने से पहले एक बार फ्रीजर में चेक कर लेना कि कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है। मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, ये तुम्हारे डैड का था, उन्होंने इसे संभाल कर रखने को कहा था। उन्होंने इसे मैनहट्टन के किसी चमड़े की दुकान में देखा था, तब वो 19 साल के थे। 19 साल के लड़के को ब्रीफकेस का क्या काम? जानते हो उसने ये किसे खरीदा था? मुझे क्या? तुम्हारी माँ से, वहीं से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने इसे संभाल कर रखने को कहा? क्यों, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आपने इसे खोल कर देखा कभी? कुछ नहीं है इसमें। तुम्हारे डैड अपने राज किसी को नहीं बताते थे पीटर। जानता हूं। ये कौन है, आप जानते हैं? शायद ये तुम्हारे डैड के साथ काम करते थे। इसे मेज पर से हटा लो, खाना परोसना है। हटा, अपने हाथ धोकर आ जाओ। हाँ, जाओ। अच्छा बच्चा बनना है पीटर। आप कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी मॉम को और मुझे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ एक मिनट, खोल रहा हूं। आ जाइए। तुम ठीक तो हो? हाँ, क्यों, क्या हो? क्या बात है, अपने डैड की तरह दिखते हो। मैं अंदर आऊं? आइए। देखो तुम जानते हो पीटर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें बचपन से पढ़ाना छोड़ दिया था। मैं जानता हूं बेटा कि एक बच्चे को पिता के बगैर कितनी मुश्किलें होती हैं। हमने तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूं। काश तुम्हारे साथ जो हुआ उसे मैं बदल सकता। कर्ट कॉनर्स, जो इस तस्वीर में तुम्हारे डैड के साथ हैं, ये उसी का नाम है। एक दूसरे के बहुत करीब थे वो, पर तुम्हारे डैड के जाने के बाद हमने उसे कभी नहीं देखा और ना ही उन्होंने कभी फोन किया।
अजीब लगता है। लड़के खूबसूरत है। अंकल बेन, आ? आप मेरे लिए मेरे डैड से भी बढ़कर हैं।